कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। यहां बीजेपी विधायक का सड़क पर कार को धक्का मारते हुए वीडियो वायरल हो गया। मध्य प्रदेश के कोलारस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने साथियों के साथ अपनी कार को धक्का लगाते नजर आए। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वीडियो देखकर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी इस पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पेट्रोल डीजल महंगा होने का असर अब भाजपाइयों पर भी पड़ता नजर आने लगा है। खबर है कि कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी विधानसभा क्षेत्र में अपने एक समर्थक के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। शाम को लौटते समय अचानक भोपाल इंदौर रोड पर बदरवास के पूरनखेड़ी टूल प्लाजा के पास उनकी कार बंद हो गई। काफी देर तक कोशिश के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हुई, जिसके बाद विधायक अपने साथियों के साथ गाड़ी से नीचे उतरे और धक्का लगाने लगे। धक्का लगाती ये तस्वीर किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सफेद कुर्ते पजामे में भाजपा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी अपनी खराब हुई एसयूवी के साथ नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विधायक ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस शिवपुरी की ओर जा रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी के कारण उनकी कार की बैटरी खराब हो गई। इसके चलते उन्हें और कार सवार उनके समर्थकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब एक घंटे बाद जब कार की बैटरी बदली गई, तब भाजपा विधायक अपनी मंजिल तक पहुंच सके।